पहली फिल्म करने लगे तो पता चला कि रोमांटिक सीन करते हुए पैर कांप रहे थे? उससे पहले पता नहीं था मुझे। इतना ज्यादा मैंने पूजा पाठ कर लिया था, मेरा उधर उस तरफ लक्ष्य ही नहीं था। और जिस तरफ पड़ा तो इतना पड़ा जैसे लगा कि जैसे पहले तो खाना नहीं मिल रहा था, फिर बूफे मिल गया जैसे। तो जिस वक्त मैं शूटिंग कर रहा था तो आदरणीय सरोज जी ने मुझे ऐसे 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 भी पूछती तो मतलब के वो था, लेकिन माइक पे उन्होंने मुझे, अरे क्या काँप रहा है, लड़की में हाथ नहीं लगाया क्या कभी? तो मैं कहा, मैम मेरा रोमांस हुआ नहीं है अभी। क्या टच नहीं किया? मैं कहा, नहीं मैम कभी ऐसा फुर्सत ही नहीं हुई, ऐसा उस तरफ मेरी सोच ही नहीं गई, क्या क्या करूँ मैं। मैं तो गायत्री मंत्र पढ़ रहा था। तो बहरहाल उनकी एक असिस्टेंट हुआ करती थी, वो कर्नाटक से थी, राजलक्ष्मी नाम था। उसे कहा, राजलक्ष्मी इसे जाओ समझाओ। तो मैंने सोचा क्या पता कैसे समझाएगी। तो मुझे वो समुंदर किनारे पे ले गई और कहा, गोविंद वहां से दौड़ते हुए इधर आओ, आके गले लग जाओ। तो मैंने जैसे गले लगा मुझे चुमने लगी। और थोड़ा समुद्र में, अरे मैं कभी स्विमिंग अभी स्विमिंग नहीं आ रही अभी, तो चल आजा बिंदा समुद्र में आजा आजा। बहरहाल मुझे मतलब के वो हुआ था वैसा, परंतु थोड़ी ही शूटिंग हुई थी, मतलब के थोड़े ही दिन में मैं जिस वक्त रोमांस कर रहा था, लड़कियां कांप रही थी। थोड़े दिन करते करते ये हाल हो गया, सर कायलो खटिया जाड़ा लगे वो। मेरे फिल्मों के जो गाने थे वो तो सब आपको पता है कि सभी गाने बहुत ही पवित्र हैं। मतलब के सर कायलो खटिया जाड़ा लगे, मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, ये मतलब के सहज। तो हाँ हुआ था वैसा।